नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी भंडारी और हमारे खास कार्यक्रम भाग्यगुरु में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। भाग्यगुरु में आज आपको बताएंगे आज के दिन का क्या है अचूक उपाय, कौन सा रंग आपके लिए रहेगा शुभ, किस राशि के जातकों की चमकने वाली है किस्मत, साथ ही दर्शकों के सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं आज का महामंत्र क्या है, ताकि आपका पूरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जी, हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिन मंगलवार है। मंगल का दिन खास तौर से संकट मोचन बजरंग बली का दिन माना जाता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ है, या चंद्रमा मंगल एक साथ है, या केतु मंगल एक साथ है, और आपकी कुंडली में मंगल की अंतरदशा चल रहा है, या मंगल में केतु का अंतर चल रहा है, या मंगल की महादशा में राहु या शनि केतु की महादशा चल रहा है, जिसके नाते आप चतुर्दिक रूप से अपने को परेशान महसूस कर रहे हैं कि आप परेशानी है, चारों तरफ से अपने को घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, और लगता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, और लगता है कि आप अपने को चारों तरफ से संकटों में घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, लगता है कि आपको अपने भी पराये जैसे व्यवहार कर रहे हैं और आपकी थॉट प्रोसेस काफी डेविएट कर रहा है, तो आज आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान जी की आराधना करें, आपके समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं दूर होंगी। आप मंत्र लिख लीजिए, अतुलित बलधामम हेम शैला वदेयम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यह संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र है और आप इस मंत्र का कम से कम 24 बार पढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात की ध्यान रखना है कि आज हनुमान जी को लाल चीजें बड़ी पसंद होती हैं, तो आप क्या करें कि इनको लाल लड्डू बना करके बूंदी के लड्डू जरूर अर्पित करें और साथ में तुलसी दल भी डालें, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण होगी। आज इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, और अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज है 28 जून 2022, दिन है मंगलवार, चतुर्दशी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है, जो सायंकाल 7:05 तक रहेगा, और दिन है मंगलवार, कृष्ण पक्ष है और सूर्योदय जो होने का समय है प्रातः काल 5:25 पर है, सूर्यास्त होगा सायंकाल 7:22 पर। आज चंद्रमा रहेगा वृष राशि में, वृष राशि पर चंद्रमा उच्च का माना जाता है, इसमें थोड़ा सा जिनका चंद्रमा हो चुका है या निज का तो ध्यान रखना है, और सुबह 5:33 तक रहेगा। तो जो शुभ समय है जिसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा दो अपराह्न काल तक, और राहु काल है आपका 3:53 से लेकर के 5:38 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना है। राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। जी, और अब बात कर लेते हैं राशिफल की। भाग्यगुरु से जानते हैं क्या कहता है आपके आज का राशिफल। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों की, कि किसकी आज किस्मत चमकेगी, किसका भाग्योदय होगा, कौन राजनीति में जाएगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन भूमि भवन खरीदने वाला है और किसके घर में शुभ कार्य होने वाला है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो आज मेष राशि के जातक हैं, आज आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण होते हुए दिख रहा है, तो आज आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, समस्त प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो संपन्न होगा, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और उच्च पद प्राप्त होने का भी योग बन रहा है, साथ ही साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। कृषियों की भूमि खरीद सकते हैं, इसके लिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। संतान का सुख मिलेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि कई बार आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, तो समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि बंदरों को केला खिलावें। आपके लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं, आज तो क्या बात है, आज तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आज आपका समय अनुकूल है, हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और आज आपको नए तरह के कार्य कर सकते हैं, अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और आपका समय बड़ी कीमती है तो अपने समय का सदुपयोग करें
और नए कार्यों का भी लाभ मिल सकता है। और अगर कोई भी चीज नए लोगों से नए तरह के व्यापार जो सोच समझ करके करने की जरूरत है, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। आज आपको बृहद गृह निर्माण कराने का भी योग बन रहा है, वाहन सुख भी मिलने का योग बन रहा है, जब भाग्य से गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि साझेदारी में व्यापार करने का आज थोड़ा सा अवसर भी मिलेगा तो आपको उससे बड़ा लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, ये ध्यान रखने का बहुत ही इनोसेंट है, ताकि भोलेपन का कोई लाभ उठा सकता है, तो अपने को थोड़ा सा बी केयरफुल। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलावे। आज आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है सफेद, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका आर्थिक लाभ का योग बन रहा है, अनेक क्षेत्रों से अर्थ के साधन मिलेंगे, पदोन्नत का भी योग बन रहा है और प्रगति के ढेर सारे अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। आप जो भी सलाह देंगे बहुत ही कीमती सलाह देंगे, तो आज आपका कीमती सलाह होगा जिसके नाते आज आपके पास धन आएगा। आपकी जीवन संगिनी का सहयोग मिलेगा, कई महत्वपूर्ण कार्य होने का भी प्रबल योग बन रहा है और अचानक यात्रा का योग बन रहा है जिससे आपका मन उद्विग्न हो सकता है। संतान सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है और संतान के प्रगति से मन प्रसन्न हो सकता है। आज सावधानी क्या बरतनी है, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना है, भगवान श्री गणेश की आराधना करना आपके लिए हित कर रहेगा। शुभ अंक 7 और शुभ रंग से ग्रीन और लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज होंगे, फर्टाइल आइडियाज होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज आपको प्रगति होने का प्रबल योग बन रहा है, आपकी प्रगति हो सकती है, पदोन्नत हो सकती है। आज अपने मन को थोड़ा नियंत्रण में रखने की जरूरत है, क्योंकि मन की चंचलता बढ़ सकती है और जो भी कार्य करें ना उसमें एकाग्र होकर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। विघ्न बाधाएं दूर होगी और आज आपको चारों तरफ से सफलता मिलने का योग बन रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा मन में चिंता रहेगी। सावधानी क्या बरतनी है, तनाव न पालें, तनाव पालना आपके लिए हितकर नहीं है। उपाय क्या करना है, आज आप भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और चंद्रमा को दूध से अर्घ दें, अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग है सफेद और लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपका जो भी कार्य प्लान कर रहे हैं, जो भी आपका प्रयासरत कार्य, जो योजनाएं हैं, जो कार्य पाइपलाइन में, उस सब में आज आपको बड़े रूप में सफलता मिलने का योग बन रहा है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी आज आपको बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, उसके नए कार्य करने का अवसर मिलेंगे। आय से ज्यादा व्यय हो सकता है, जिससे मन आपका थोड़ा परेशान हो सकता है। घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, हेल्थ वेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखें, बी पॉजिटिव रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आपको गरीबों को भोजन कराने और हो सके तो कोई भी वस्त्र वगैरह उपहार दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पिंक, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको नए प्रकार के कार्य करने के अवसर मिलेंगे। अच्छी प्रगति से मन अच्छा खुश रहेगा और आज बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार से लाभ का भी योग बन रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आज आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी जो परेशानियां है वो दूर होंगी। संतान सुख मिलने का योग बन रहा है, संतान के प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा। नए प्रकार के नौकरी भी मिल सकती है, यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आज आपको नौकरी में बुलावा आ सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, कर्ज लेने से बचें, कर्ज लेना ठीक नहीं है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करने की, अपनी छोटी बहन को कोई वस्त्र उपहार दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग है पिंक पीच कलर और लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके अभी तक जो परेशानियां झेल रहे हैं, सारी परेशानियों का समाधान होते हुए दिख रहा है, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। चतुर्दिक चौतरफा लाभ का भी योग बन रहा है, नए प्रकार के वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आज आपको पदोन्नत का भी योग बन रहा है, अचानक यात्रा का भी योग बन रहा है और यात्रा से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। आज आपको पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, परिवार में किसी भी प्रकार के नए प्रकार के थोड़ी सी चिंता हो सकती है और शुभ कार्य का भी योग बन रहा है। तो एक तरफ खुशी और एक तरफ थोड़ा सा ये रहेगा, तो ध्यान रखने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, भावुकता में आके कोई निर्णय नहीं लेना है।
उपाय क्या करना है आज आपको, आपको क्या करना है कि चंद्रमा को अर्घ देना है। किससे देंगे? गाय के दूध से अर्घ देंगे। सफेद पुष्प ले लीजिए और गाय का दूध ले लीजिए, चावल ले लीजिए और लेकर के ओम प्राम प्रेम प्रोम सह श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से आप चंद्रमा को अर्घ दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है, आज आप योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, तो जरूरत है योजनाओं को क्रियान्वित करें और योजनाओं से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। चिर प्रतीक्षित कार्य सारे आज आपके संपन्न होंगे और आज आपको नए प्रकार का जॉब मिल सकता है, उसका प्रबल योग बन रहा है। धन धान की स्थिति अच्छी होगी, पदोन्नत के भी योग बन रहा है, स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, भाग्य चूंकि आपके अनुकूल है और आज आपको ये देखना है कि आपके कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में विस्तार की भी संभावना दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है कि आपकी क्षमता क्या, आप क्या कर सकते हैं, उसको चैनलाइज करके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, काला चना मंदिर में दान करना आपके लिए हित का रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि रोग एवं शत्रु आज आपके परास्त होंगे, शत्रु के बीच में रहेंगे लेकिन सारे रोग और शत्रु परास्त होंगे। आत्मबल से आज आपको प्रगति मिलेगा, आत्मबल से बड़े बड़े कार्य करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। विवादों से बचने की जरूरत है, समय कम है, ऊर्जा ज्यादा लग सकता है, तो अपने को कहीं इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। जो भी ऊर्जा लगानी है सकारात्मक और अच्छे कार्यों में लगावें। आर्थिक पक्ष में वृद्धि होने का योग बन रहा है, पुस्तक लेखन कार्य से भी धन मिलेगा और आज कारण आपका मन तनाव में हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको असहाय को वस्त्र दें, मदद करें, उसको खाना खिलावें, पुस्तक दान दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है, इससे परहेज करना है। आज आपके अंतरात्मा की आवाज को सुनना है और उसके दिशा निर्देशन में कार्य करें, आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहा है। अपने मन को शांत रखें, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण रखें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पदोन्नत का भी योग बन रहा है, पदोन्नत के साथ साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। लेखन कार्य से आज आपका और लेखन कार्य से धन मिलेगा और लेखन कार्य में अभिरुचि बढ़ेगी आपकी और अपनों के साथ थोड़ा सा मन मुटाव भी हो सकता है, मन जिससे अपसेट हो सकता है और अत्यधिक खर्च होने का योग बन रहा है, मन उद्विग्न हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुरुजन की सलाह से ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें। गुरुजन में आपके बड़े भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उससे राय लेकर के अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, पीपल को आज क्या करना है कि सरसों के तेल से वो करना है और वहां काला तिल अर्पित करना है और क्या करना है कि जल चढ़ाना और सरसों का तेल अगर पीपल के वृक्ष के नीचे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आय के नए प्रकार के स्रोत मिलेगा, आय के संसाधन मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा, आत्मशक्ति से आज अपने को ताकतवर महसूस करेंगे, लगेगा कि अंदर से इनर सेंस बहुत हो गया, इंद्रिय ज्ञान हो गया, जिससे आपको मन में सुख और शांति महसूस होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आज अनेक क्षेत्र से व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की टेरिटरी में एकदम दखलंदाजी न करें। उपाय क्या करना है, आज चिड़ियों को क्या करना है कि बाजरा खिलाना और जरूरतमंद को वस्त्र दें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है स्लेटी कलर और लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि संतान का मनोबल बढ़ाना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को उत्साहित करना, उनकी टेरिटरी में दखलंदाजी नहीं करना, इनकरेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज आपको विशेष प्रकार का कार्य करने से लाभ मिलेगा। विरोधी जो है ना सक्रिय हो सकते हैं, रोग और शत्रु विरोधी आज काफी सक्रिय हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकता है, परिश्रम से लाभ होने का योग बन रहा है, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा और ये देखना है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है आपको, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सावधानी क्या बरतनी है, टेंशन नहीं पालना है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जप करना है, इस माँ लक्ष्मी का मंत्र, इसको पढ़ने से आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है भगवा कलर और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण।
तो राशिफल के बाद अब भाग्य गुरु से जानते हैं गुरु के नुस्खे। गुरु जी आज मंगलवार है और ज्यादातर संकट मोचन कहा जाता है हनुमान जी को, तो कर्ज मुक्ति से भी बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे लोग कर्ज मुक्ति पा सके। जी देखिए शिवानी, आज का दिन मंगलवार है और मंगलवार खास तौर से हनुमान जी के लिए माना जाता है और कहते हैं कि हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके सभी संकटों का समाधान होता है। तो आज आपको क्या करना चाहिए कि एक तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और इससे क्या होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, सरसों का तेल जलाने से और हनुमान जी को अगर रोट बना के वो तुलसी दल बना के अगर किया जाए तो ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कोशिश करें कि मंगलवार के दिन गरीब और जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको दान भी करना चाहिए, जिससे कर्ज से आपको मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन क्या करें कि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें या श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, चाहे हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुंग फट इस मंत्र का भी 108 बार अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन खास तौर से ध्यान रखना कि हनुमान जी का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो आप किसी भी प्रकार के संकट में हैं, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे मानसिक संकट हो, चाहे शारीरिक संकट हो, चाहे रोग शत्रु का संकट हो, तो हनुमान जी की पूजा करने से आपको चतुर्दिक संकटों से आपको निजात मिलता है और आपकी मुराद पूरी होती है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं इच्छित, जब भगवान श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो आपकी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी तो आज दिन है मंगलवार और आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और जो उपाय गुरुजी ने बताया उनको कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। तो कई दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे हैं, क्या है इनके सवाल जान लेते हैं। आशा देवी हैं, इन्होंने अपनी बेटी दीप्ति के लिए सवाल पूछा है। जन्मतिथि है 3 नवंबर 1995, समय है रात 1:25 पर जी। और इनका सवाल है अपनी बेटी को लेकर कि सरकारी नौकरी कब लगेगी और शादी का योग कब तक है। जी देखिए, जो दीप्ति की कुंडली है यह मकर लग्न की है, लग्नेश और धनेश दोनों शनि है और शनि इनकी कुंडली में बैठा हुआ है धन भाव में कुंभ राशि का। इस समय शनि कुंभ राशि में भी है और वर्तमान में इनकी बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है। और अभी इनको जो बुध में शुक्र है इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इनका जो शुक्र मंगल बृहस्पति जो तीनों आय भाव में बैठा तो आय का जरिया अच्छा रहेगा और दशम भाव में सूर्य बुध राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, उच्च पद प्राप्त होता है और ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में काफी सूझबूझ वाले होते हैं, समझदार होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। तो टाइम इनका बहुत बढ़िया चल रहा है, इससे इनको लाभ मिलेगा और अभी इनको जो भी दर प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम ये देंगे तो उसमें इनको सफलता मिलने का योग बन रहा है। जी सुल्तानपुर यूपी से भी एक दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है, राकेश कुमार हैं, इनका क्या सवाल है जान लेते हैं। जन्मतिथि है 17 मार्च 1992 और इनका सवाल है कि इनकी शादी में देरी हो रही है तो कब तक योग है। जी देखिए राकेश जी, आपका जन्म वृश्चिक लग्न का है, लग्नेश आपका पृथ्वी पुत्र मंगल है जो अपने घर से तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े इनर्जेटिक होते हैं और अपने मेहनत करके काफी आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में आपका सूर्य बुध बैठा है, एक प्रकार का राज हो गया, बुध आदित्य योग बना रहा है और तीनों की इनकम भाव पर देख रहा है तो ये इनकम का जरिया भी ठीक रहेगा। और आपका प्रश्न है कि आपकी शादी कब तक होगी, तभी आपका 27 जून 2022 से लेकर के और 15 जून 2024 का जो टाइम है यह कालखंड आपके विवाह के लिए सर्वोत्तम समय है। आपकी पत्नी काफी अच्छी होगी, अच्छा परिवार में होगा शादी और 0 से लेकर 120 किलोमीटर के रेडियस में शादी होने का एक प्रबल योग बन रहा है। जी पौड़ी गढ़वाल से भी एक दर्शक है, इन्होंने सवाल पूछा है, विनोद सिंह है, इनका क्या सवाल है जान लेते हैं। जन्मतिथि है 5 सितंबर 1965, समय दोपहर 1 बजे और इनका सवाल है कि आने वाला भविष्य इनका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए विनोद सिंह, विनोद जी आपका जन्म वृश्चिक लग्न का, लग्नेश आपका पृथ्वी पुत्र मंगल है, मंगल बैठा हुआ आपका 12वें, तो 12वें मंगल होने के नाते क्या होता है कि आपको तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, गुस्सा आएगा, खर्चे बहुत होंगे, लायबिलिटी और जिम्मेदारियां आपकी बहुत होंगी। धनु राशि का चंद्रमा आपके धन भाव में तो माली हालत अच्छी होगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी और शनि आपका अपने राशि में है, स्वराशि में 4th हाउस में बैठा है तो समय आपके लिए अच्छा। वर्तमान में आपका बृहस्पति की महादशा में शनि का अंतर चला तो नौकरी के लिए और विवाह के लिए यह बहुत अच्छा कालखंड चल रहा है। तो 22
मार्च 2022 से लेकर के और 22 सितंबर 25 का एक कालखंड आपके लिए गोल्डन है। इसमें आपको नौकरी, अच्छी पत्नी, विवाह सब होने का प्रबल योग बन रहा है जी। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को ये बताते चले कि जिन लोगों के सवालों का जवाब हमने आज नहीं दिया है, अगले दिन उनका सवाल जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिन लोगों का आज जन्मदिन है। सबसे पहले उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु जी से जानते हैं कि आज जन्म लेने वाले जातकों का आने वाला समय कैसा रहने वाला है। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और यह जन्मदिन आपके लिए सुख, समृद्धि, यश, पद, प्रतिष्ठा का वाहक बने, परमपिता परमेश्वर से हार्दिक प्रार्थना है। और यह जन्मदिन आपके लिए काफी ऐतिहासिक हो, प्रभु से प्रार्थना है। आज के दिन जो जन्मे जातक हैं, वो खास तौर से आज 28 तारीख है, तो जो 28 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 इस तारीख अगर जो जन्मे जातक हो तो उनका मूलांक 1 होता है। एक नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनके अंदर नेतृत्व करने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। ये किसी के अधीन नहीं होते, ये बाय बर्थ लीडर होते हैं और जो प्लान करते हैं उसको कर डालते हैं। इनके अंदर एनर्जी भी होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं। इनके अंदर जुनून भी बहुत अच्छा होता है और जो एक बार बना लेते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है वो करके ही मानते हैं। तो यह वर्ष देखा जाए तो आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सर्वोत्तम रहेगा, माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, भूमि भवन का लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी भी मिल सकती है। जो विवाहित हैं उनकी विवाह की भी संभावना बन रही है। यदि आप अच्छे पद पर हैं तो आपका प्रमोशन और स्थानांतरण दोनों होने का योग बन रहा है। खास तौर से वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं, तो जो प्लानिंग है वो काफी अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शुरू के 4 महीने आपके बहुत ही जोरदार रहेंगे, गोल्डन टाइम होगा। इसमें आपको धन दौलत काफी मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपको उत्तरोत्तर अच्छी होगी। वहीं आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो कालखंड होगा थोड़ा सा स्ट्रगल का होगा। आपके विरोधी बहुत सक्रिय हो सकते हैं, आपका मन उद्विग्न हो सकता है, तो इसमें उद्विग्न न होकर के धैर्य से अपने कार्य करने की जरूरत है और उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो अंतिम 4 महीना है, इन दोनों से बेहतर होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और हर तरीके से आपको इसमें लाभ मिलेगा। यह साल आपके लिए अच्छा हो, आपको नियमित क्या करना है कि सुंदरकांड का पाठ करना है। पूरे वर्ष पर्यंत आप हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं और उत्तरोत्तर प्रगति, माली हालत अच्छी और संबंधों में सुधार आएगा। ये करने से हर तरीके से आपका चतुर्दिक विकास होगा, तो सुंदरकांड का नियमित पाठ करें जी। भाग्य गुरु में जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने मैसेज भेजने के लिए अपना नाम, जगह, जन्मतिथि और जन्म का समय जरूर बताएं। भाग्य गुरु में आज बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और दीजिए इजाजत। नमस्कार।